अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में। तो यहां पे एक डिस्कवरी वैन है जिसका मैं आज रिव्यू करूंगा। इस वक्त मैं वैन के अंदर मौजूद हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वैन के अंदर क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं और ये आप रेंट आउट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होगा। बेसिकली ये एक वैन है जिसके अंदर मुकम्मल बेड, किचन और वाशरूम की सहूलत मौजूद होती है। तो आप इसको जो है वो रेंट आउट करके मुख्तलिफ नादरन एरियाज़ में या जहाँ भी आप इसको लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। और इस तो आए हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ ये लोग दे रहे हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये इसके सोफ़े हैं, एक इस साइड पर है, एक ये सामने है, ठीक है। दरमियान में टेबल है, यहाँ पर आप खाना वगैरह अगर खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ये बेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेड में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि इसको हम बेड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ड्राइवर का कैबिन है, ठीक है। तो इसको आप जब यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे तो आपकी प्राइवेसी हो जाएगी इसके अंदर, और वहाँ पे जो ड्राइवर और कंडक्टर होता है वो आपके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं होंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर टीवी मौजूद है, सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लगा के देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिमोट पड़े हुए हैं, एक टीवी यहाँ पे है, एक सामने दूसरे रूम में है। अच्छा, यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, आप इनको लाएंगे ऐसे, ठीक है। बाहर खिड़की मौजूद है, अब यहाँ से बाहर के व्यूज़ जो हैं आप उनको भी देख सकते हैं। इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये सारा जो है क्लोज़ हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लोज़ हो जाएगा। फिर आप बाहर की जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं देख सकते। एक इस साइड पे है और एक सामने इस साइड पे दिया। अच्छा जी, ये इसका है किचन का एरिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं चूल्हे लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी कोई चीज़ पकाना चाहें, कोई भी चीज़ किसी किस्म की आप चाय बना सकते हैं, एग फ्राई कर सकते हैं, उसके साथ आप खाना बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बर्तन धोने के लिए जो है वो सिंक दिया गया है, तो आप यहाँ से बर्तन वगैरह भी आप अपने धो सकते हैं। ये आग बुझाने का सिलेंडर भी दिया गया है, अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे जो है फ्रिज दी गई है, इसके अंदर आप अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं, पानी वगैरह या कोई चीज़ भी आपने रखनी है तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीमीडिया का स्पीकर्स का कंट्रोल दिया गया है, वो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मास्क वगैरह पड़े हुए हैं, आपने अपनी कोई चीज़ रखनी हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम किचन वाली साइड पे। किचन में ये देखें कि यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको चाहिए हो। यहाँ पे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, ये भी मसाले हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे देखते हैं जी, इस ड्रॉ के अंदर प्लेट्स वगैरह हैं। चम्मच से स्पून वगैरह यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये अंडे वगैरह रखने के लिए गिलास वगैरह पड़े हुए हैं। ये है वेस्टेज के लिए, डस्टबिन वगैरह यहाँ पे मौजूद है, वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे साबुन वगैरह और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये दो कैबिन इस साइड पे दिए गए हैं, आप अपनी कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखना चाहें तो सेम दो कैबिन जो हैं वो इस साइड पे दिए गए हैं। अच्छा, ये है सोफ़ा कम बेड है यहाँ पे। इस वक्त आप सोफ़े में देख रहे हैं तो ये बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है,
और इसके अलावा यहाँ ऊपर भी बेड मौजूद है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। चार्जिंग के लिए प्लग्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स हैं लाइट्स के, किचन की पावर है, फ्रंट लाइट्स, किचन लाइट्स, आउटसाइड टीवी, बाहर भी एक टीवी है उसका है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप बटन्स को यूज़ करते हुए आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है वो पॉइंट्स एसी के दिए गए हैं और लाइट्स भी दी गई हैं। ये यहाँ पे दिए गए हाथ, अगर आपने यहाँ पे एक मिसाल है कोई चल के जाना है, तो अगर कोई रोड इस तरह का है, कंडीशन इस तरह की है, तो आप यहाँ से ऊपर से पकड़ के जा सकते हैं। अब हम चलते हैं बाथरूम की तरफ। ये जी बाथरूम की लाइट्स हैं, ठीक है। और ये रहा जी हमारा बाथरूम, ठीक है। बाथरूम आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बाथरूम बना हुआ है। शावर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिंक है, हैंगिंग के लिए भी ऊपर जगह दी गई है, एग्जॉस्ट की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे। ये कुछ एक्स्ट्रा टेबल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने बाहर कहीं बैठना है तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये मेरे पीछे इसका बेडरूम है, ये इसका डोर लगा हुआ है, इसको जरा ओपन करेंगे तो ये आपके सामने, ये एक मास्टर बेडरूम आपके सामने शो हो जाएगा, तो आप इसके अंदर जाके रेस्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये है इसका मास्टर बेडरूम, यहाँ पे भी दो लोग इजीली सो सकते हैं। टोटल इसमें 8 लोगों की कैपेसिटी है, 8 लोग इसके अंदर वो ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे और बाकी आगे स्पेस दी हुई है, वो भी आपको मैंने दिखाई है। दोबारा उसको सोफ़ा है, उसको सोफ़ा कम बेड बना के भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है समझे कि मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे खिड़की है, इसको आप खोल सकते हैं, खिड़की को खोल के आप बाहर के व्यू भी ले सकते हैं। और पीछे मेरे टीवी लगा हुआ है, अगर आप टीवी देखना चाहें तो यहाँ से आप टीवी भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनाब चार्जिंग की पोर्ट्स दी गई हैं, ये यहाँ पे भी दी गई हैं। यहाँ पे ये लाइट्स और टीवी के पॉइंट्स हैं, वहाँ से आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर इसके एसी के पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइट्स हैं, और यहाँ पे हैंगिंग की सहूलत भी दी गई है, आप कोई कपड़े वगैरह हैंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस साइड पे भी यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद है जी। तो इसको हम अब बेड में कन्वर्ट करेंगे जी। भाई करिएगा इसको बेड के अंदर कन्वर्ट। पहले यहाँ पे नट लगा हुआ है, उसको ओपन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसको हमने बेड में कन्वर्ट किया है, ये नीचे वाला बेड है और इसके ऊपर जो सीढ़ी है उसके साथ आप दूसरे बेड में जा सकते हैं। तो इसके अलावा तीसरा बेड वो सामने इस साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे 3 बेड हैं, आप इस पे ट्रेवल कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त और लग्जरी बस है। आप अगर इसमें अपने टूर के लिए आप इसको अरेंज करना चाहें तो डिटेल्स आपको दे दूँगा, स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। और बाकी देखने में तो बहुत भाई लग्जरी है, बहुत ज़बरदस्त है और देखने में ही ये कंफर्टेबल लग रही है। बाकी इंशाल्लाह जल्द ही टूर प्लान करूँगा और इस पर ट्रैवल करके
तो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा।